हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हाट्रॉन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है हाट्रॉन रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बंपर 260 डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर प्रोग्रामर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,000 रुपये से लेकर 45,900 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका चंडीगढ़ हरियाणा होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए 6 वैकेंसी है, सिस्टम एनालिस्ट के लिए 23 वैकेंसी है, प्रोग्रामर के लिए 65 वैकेंसी है, नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए 5 वैकेंसी है, जूनियर प्रोग्रामर के लिए 66 वैकेंसी है, नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है, वेब डिजाइनर के लिए 5 वैकेंसी है, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 80 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन बी ए बी टेक एम ई एम टेक बी एस सी बी सी एम एस सी एम सी ए पी जी डी सी ए पी डी सी ए पी जी डी आई टी या फिर ए पी जी डी सी ए कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामर और नेटवर्किंग इंजीनियर पोस्ट के लिए आपका बी ए बी टेक एम ई एम टेक एम एस सी सी एस सी आई टी या फिर एम सी ए किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर प्रोग्रामर पोस्ट की, तो इसके लिए आपका बी या बी टेक एम ई एम टेक बी एस सी बी सी एम एस सी एम सी ए पी जी डी सी ए या फिर पी डी सी ए किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं नेटवर्किंग असिस्टेंट पोस्ट की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा इन सी एस सी आई टी ई सी या फिर बी एस सी या फिर बी सी ए किया होना जरूरी है। वेब डिजाइनर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स बी या बी टेक एम ई एम टेक बी एस सी बी सी एम एस सी एम सी ए पी जी डी सी ए पी डी सी ए पी जी डी आई टी या फिर ए पी जी डी सी ए कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए आपका क्लास 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन बी एस सी या बी सी ए इन सी एस सी आई टी से किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 45,900 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं सिस्टम एनालिस्ट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 44,250 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर प्रोग्रामर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 29,500 रुपये से लेकर 31,850 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। नेटवर्किंग इंजीनियर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 29,500 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि जूनियर प्रोग्रामर नेटवर्किंग असिस्टेंट और वेब डिजाइनर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 22,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आधार शुल्क नहीं देना है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 9 अप्रैल 2023 तक चलेगी। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।